तो अज्ञात अभियोग दर्ज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि अभियोग बिल्कुल दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन अनुसंधान के क्रम में जब ये पता नहीं चल पाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है तो वैसी स्थिति में अभियोग दर्ज नहीं होता है। हालांकि गोलागतानी समाचार चौगाई से बटुए खबर की हेडलाइन सुनी। दिन भर शराब के लेके हलकान रहर मुरार थाना के पुलिस चौगाई में तीन जगह छापामारी में 1,000 लीटर महुआ शराब विनष्ट। नचाप से भी अंग्रेजी दारू के साथ 2 तस्कर भैलन गिरफ्तार। खबर कावा विस्तार से जानी। मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई महादलित बस्ती या डोमटोली में पुलिस संघ छापामारी कैलस, संयुक्त छापामारी कैलस। मुरार पुलिस और उत्पाद विभाग के टीम बुध के दिने सुबह छापामारी अभियान चलेलस। पुलिस के छापामारी में शराब धंधेबाज में हड़कंप मच गई। रौरा सबके बता दी कि खबर अंत तक देखब, कहें से कि खबर के अंत तक लाइव जौन महिला शराब तस्कर पकड़ल गए बिया ओकरा से सारा चीज की कैसे माल बनेला, कैसे एकरा के बेचल जाला, कितना बेचल जाला, सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। लेकिन खबर तनी विस्तार से जानी। इस छापामारी के दौरान लगभग 1,000 लीटर कच्चा जावा महुआ शराब के पुलिस विनष्ट कैलस। जानकारी के अनुसार शुक्रवार अहले सुबह शराब धंधेबाज शराब बनावे के तैयारी में जुटल रहन। यही बीच मुरार थाना के पुलिस के फोन के घंटी बाजल। उत्पाद विभाग के टीम आ मुरार थाना अध्यक्ष मनोरंजन राय अपन दल बल के साथ चौगाई महादलित बस्ती में लगभग 4 घंटा छापामारी कैली, जहाँ जमीन में दबा के तैयार कल जा रहा 1,000 लीटर जावा महुआ शराब के जमीन से निकाल के विनष्ट कल गए। एकरा बाद छापामारी कर रहा पुराना टीम पुलिस टीम पुराना बाजार चौगाई के डोमटोली में छापामारी कल, जहाँ चूल्हा पर तैयार कल जा रहा शराब के पुलिस नष्ट कर दिल। हालांकि डोमटोली में छापामारी के खबर मिलती शराब तैयार कर रहा शराब धंधेबाज भाग खड़ा भैलन, जबकि वही एक महिला शराब धंधेबाज मिली देवी के पुलिस पकड़ लिहल। वही बक्सर उत्पाद विभाग के अवध निरीक्षक राजीव कुमार झा बतैनी की गुप्त सूचना मिलल रहे कि काफ़ी मात्रा में शराब तैयार किया जा रहा बा, जरा बाद मुरार थाना के सहयोग से छापामारी कल गई 1,000 लीटर कच्चा महुआ जावा शराब के विनष्ट कल गई। वही मुरार थाना अध्यक्ष मनोरंजन राय बतैनी कि एगो महुआ शराब तस्कर के महिला के गिरफ्तार कर दिल बा। बात कल जाओ नजाप नचाप से तो गुप्त सूचना मिलल कि नचाप में भी शराब अंग्रेजी शराब रखल बटुए आ तस्करी कल जाता। एक बाद मुरार थाना के पुलिस से गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कैलस। 2 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर अभिषेक सिंह जिनकर गांव नचाप और सोनू सिंह जिनकर गांव बीरपुर हटुए इनकल के गिरफ्तार करके जेल भेज दिल गए। बता दें कि बड़ा कार्रवाई, एक दिन में 3-3 तस्कर के गिरफ्तारी, साथे साथ 1,000 महुआ शराब के विनष्ट कल गई 1,000 लीटर, और साथे साथ एक अलावे विदेशी शराब भी पकड़ल गए। मुरार थाना के थाना प्रभारी बतैनी के लगातार अभियान चलत रही। यह अभियान में सबसे प्रमुख सहयोग इंस्पेक्टर बैजनाथ चौधरी के भी रहा, जो उनकी सुबह में ही मुरार थाना में पहुँच गई और लगातार अभियान चलाओ गई। सुनी महिला तस्कर का बयान। बताओ तोरा महल में के बचा था? कैसे मार रहे संभाली नो के चंदेव और बारह। अच्छा अभी और क्या बचा था? ना ना बोल रजी तीनों बचा था ना। हाँ, घर ही छुआ वाला सन। हाँ। महुआ डाल सन गाड़ के। हाँ। महुआ आ कौ दिन में तैयारी हो जाला? 8 दिन। कौ रुपये में बेचा ला? 500 का था ना एक बोतल? ना। हाँ। एक टीना 500 रुपये में बेचा ला के ले ला? अदिमिये धरवे बड़ा सन। अदिमिये धरवे बड़ा सन। तब है बेचारी के धरवा दी हमें पूरा के धरवा के दारू से पिया पर जा। और क्या हुआ बेच वाला? छापामारी अभियान चला है जी। यह स्पेशल ड्राइव के तहत चला है या रूटीन अभियान है?
ये स्पेशल ड्राइव के तहत जो है बक्सर जिला एंटी लिकर टास्क फोर्स, मुरार थाना बल और बक्सर जिला मदनिशेध टीम की संयुक्त छापामारी है। मुरार थाना के अंतर्गत चौगाई मुसहरी, बहुत बड़ी मुसहरी है और यहाँ पे परंपरागत रूप से चुलाई का काम किया जाता रहा है, तो बार बार जो है यहाँ पर छापामारी होती है और रिकवरी भी होती रही है। हम लोग प्रायः महीना में दो बार तीन बार आकर के यहाँ पर विस्तीकरण का काम करते हैं। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग दोनों मुसहरी को अगर मिला करके देखें तो लगभग 1000 लीटर के आसपास कच्चा शराब को हम लोगों ने ज़मीन के अंदर के जो गाड़ के डब्बे रखे हुए थे उनको निकाल करके और विनष्टीकरण का काम किया है, अभी भी जारी है। सर ये 14वीं बार है जब यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। जी जी सर, इसमें FIR भी नहीं होता है, न ही कोई लगातार मिलना जारी है। FIR देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब सड़क के किनारे जो गैर मजरुआ ज़मीन है उसमें अगर कहीं गाड़ के रखा हुआ है तो उसमें तो अज्ञात अभियोग दर्ज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अभियोग बिल्कुल दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन अनुसंधान के क्रम में जब ये पता नहीं चल पाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है तो वैसी स्थिति में अभियोग दर्ज नहीं होता है। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अभियोग दर्ज नहीं हुआ है, इस मुसहरी से भी कई लोगों को जो है सो जेल भेजा गया है। अभी हाल ही में पटना की टीम आई थी तो चौगाई मुसहरी से ही आपको इधर इस एरिया में थे, यहाँ पर एक उनको उन पर FIR फरार अभियोग दर्ज किया गया था जी। तो अभियोग दर्ज करने का काम भी होता है और विनष्टीकरण का काम भी होता ही रहता है लगातार प्रयास। आज लगभग 1000 लीटर कच्चा शराब जो है बरामद किया गया है और उसको विनष्ट किया गया है। सड़क सारा डब्बा जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया था तो बहुत मेहनत से उसको खोजा जाता है, उसको विनष्ट किया जाता है। ये कच्चा शराब है और इसी से इसका क्या क्या डाल कर तैयार किया जाता है सर? ये इसका मुख्य कच्चा माल होता है, ये तो महुआ फूल होता है जिससे महुआ शराब बनती है। और दूसरा क्या होता है, छोवा जो होता है उस छोवा को में पानी मिला करके उसको टीन में डाल करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं और जब किण्वित हो जाता है तो किण्वित होने के बाद फिर उसका उससे शराब बनाई जाती है, चुलाई शराब है। तो इस पर विशेष ध्यान देना इसलिए आवश्यक होता है कि जहरीली शराब की घटनाएं जो होती हैं वो आमतौर पर इसी चुलाई शराब के माध्यम से ही होती है। तो इस पर मुसहरी में जो कच्चा शराब बनाने का काम होता है उस पर हम लोग का विशेष ध्यान रहता है और कार्रवाई पूरे जिले में हर मुसहरी क्षेत्र में होती है। आपका परिचय? मैं अवर निरीक्षक उत्पाद मध्य निषेध जिला बक्सर। नाम सर? रंजीव कुमार झा।